कबूतर मैंने खुले छोड़े हुए थे, यहाँ पे घूम रहे थे, यहाँ पे बिल्कुल इस जगह पे, तो अचानक से बिल्ली आई है यहाँ से मेरे बैठे बैठे, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, मेरी तवक्को भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो यार अभी जो मेन काम, मैं आपको अपने कुर्बानी के जानवर दिखाता हूँ, जो हमारे बकरे आपने देखे हुए थे, जिनका मैं पहले भी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ। तो यार घर पहुँच चुके हैं हम, तो अभी इनको लेके चलते हैं अंदर, तो फिर इनको नहलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बनाने का टाइम मिल रहा है, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने फार्म हाउस पे, तो जो हमारे कुर्बानी के जानवर हैं वो भी मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो मेरे साथ है आज कासम। ये क्या कर रहे हो बदतमीज? तो यार हम अपने फार्म हाउस पे आ चुके हैं, ये आप हमारे फार्म हाउस की हालत देख सकते हैं, बहुत बुरी हालत है भाई हमारे फार्म हाउस की। मेन वजह यही है कि मैं वीडियो से नहीं बना रहा, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, परिंदे हैं उनको भी रहने में यहाँ पे मुश्किल हो रही है, उनकी खातर तो आदत ज़्यादा करता हूँ अब मैं गर्मी की वजह से ना। तो ये हमारे रैबिट्स यहाँ पे खुश माहौल में आराम से बैठे रहते हैं, इनको खाना पीना कर देता हूँ, मज़े में हैं ये यहाँ पे। और ये हमारे कबूतर हैं, जो उन्होंने भी अंडे वगैरह दिए थे, बच्चे भी निकले हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो कल एक बहुत बुरा सीन भी हुआ मेरे साथ, वो भी मैं आपको बताता हूँ, बड़े दुख वाली बात है, मेरी आंखों के सामने मेरा नुकसान हो गया, और बस क्या बताऊँ आपको। ये है जी हमारा वाइट टेल का बच्चा, एक अंडा दिया था और एक बच्चा निकला इनमें से माशाल्लाह, और दूसरी ये वाले जो ब्लैक वाइट कबूतर थे हमारे, इस कबूतरी ने दो अंडे दिए थे, एक अंडा ख़राब हो गया और एक में से बड़ा प्यारा सा बच्चा निकला है, बिल्कुल सेम टू सेम अपने माँ बाप जैसा है। तो बाकी और किसी ने अंडा नहीं दिया, अभी मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। ये वाली जो ब्लैक टेल कबूतरी है ना, ये आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, अपने घोंसले में खाली बैठी रहती थी, कोई अंडा वगैरह भी नहीं दिया, तो इसके नीचे फिर मैंने किसी अपने दोस्त से अंडा मंगवाया कबूतर का और इसके नीचे रखा, तो उसमें से भी माशाल्लाह ये बड़ा प्यारा सा बच्चा निकला है। तो इसमें से ये बच्चा निकला है माशाल्लाह प्यारा सा, अभी बहुत छोटा है, तो इसको आप रखते हैं वापस अपनी जगह पे, चलो भाई बैठो अपने बच्चे के ऊपर। तो दूसरा ये वाले जो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया, ओ भाई निकलो निकलो यहाँ निकलो आप निकलो। तो यार ये देखें माशाल्लाह, ये चेक करें कितना प्यारा और कितना बड़ा हो गया यार, ये तो बिल्कुल अपने माँ बाप जैसा है। ये वाले हैं इसके माँ बाप, सेम टू सेम इन जैसा ही है। इसको रखते हैं इसकी जगह पे वापस। और ये देखें दूसरा बच्चा, ये है, ये भी इसके जो पर नए निकल रहे हैं ना, वो भी अपने माँ बाप के जैसे ही हैं, ब्राउन कलर के। तो ये भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये देखें कितनी ज़्यादा फीड करवाई हुई है। तो यार ये बच्चा बेचारा यतीम हो गया, तो इसका जो बाप है वो अब इसके केयर कर रहा है, इसको फीड वगैरह देता है। तो यार इसकी जो माँ है ना, उसके साथ कल बड़ा बुरा सीन हो गया मेरी आंखों के सामने, मेरे बैठे बैठे और देखते देखते, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन हुआ है। तो यार हमारी जो कबूतरी थी ना, वाइट टेल ब्राउन वाली, जिसका मैं अभी आप जिक्र कर रहा था, तो कुछ सीन इस तरह हुआ। तो यहाँ बाइक के ऊपर मैं बैठा हुआ था, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था बतखों को डालने के लिए, तो अचानक से एक कबूतर मैंने खुले छोड़े हुए थे, यहाँ पे घूम रहे थे, यहाँ पे बिल्कुल इस जगह पे, तो अचानक से बिल्ली आई है यहाँ से मेरे बैठे बैठे, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, मेरी तवक्को भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो बिल्ली यहाँ से उतरी अचानक से, तो यहाँ पर गई है, तो उस जो हमारी जो कबूतरी थी ब्राउन वाली, उसको पकड़ा, जितनी देर में मैंने उसे देखा तो वो लेके फौरन से इस दीवार पे चढ़ गई। मैं पीछे भागा वहाँ तक, बिल्ली को पकड़ने की कोशिश की कि शायद छोड़ दे डर जाए, लेकिन वो लेके भाग गई भाई। तो ये सारा सीन कल से मेरे दिमाग में, मेरी आंखों के सामने आ रहा है यार, मेरे सामने बैठे बैठे एक हमारा नुकसान हो गया, बड़ी मासूम सी थी बेचारी, तो है जो अल्लाह को मंजूर। तो यार जो हमारी बतखें थी ना, वो तो मैंने कर दी थी वापस, टाइम की किल्लत थी मेरे पास, तो जिसकी वजह से उनको टाइम नहीं दे पा रहा था, वो मैंने बर्ड शॉप पे जाके वापस कर दी थी, एक्सचेंज कर ली थी। तो अभी उनके जो बच्चे थे ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहे उनके बच्चे, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए। ये वाला जो है ना,
तो यार इसे हो गया था लकवा, तो इसकी मेडिसिन वगैरह मैंने 2 से 3 दिन से मैं इनको दे रहा हूँ, तो ये अब काफ़ी पहले से बेहतर हो गया। पहले तो ये बैठा रहता था एक जगह पे, हिल ही नहीं होता था बेचारे से। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये अब इतना चलना स्टार्ट कर दिया है इसने। चलो यार आप रहो आराम से, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो यार अभी जो मेन काम, मैं आपको अपने कुर्बानी के जानवर दिखाता हूँ, जो हमारे बकरे आपने देखे हुए थे, जिनका मैं पहले भी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ। तो आज उनको हमने नहलाना भी है। कसम निकालो यार इनको बाहर, ये वाला जो ब्लैक वाला ना भाई, मारना शुरू कर दिया इसने। इसके सींगों को या इससे पकड़ने की कोशिश करो, ये आगे से सीधा हो जाता है। निकालो निकालो, ये भी देखिए हमारे 3 इडियट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह। एक काफ़ी खा पी के पेट मोटा हो गया ये मोटा। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या है, डर क्यों रहे हो यार, आपको नहलाना है आज हमने। हाँ भाई कैसे हो यार, काफ़ी दिनों से नहीं, अंदाजन जब से ही आया ना कभी इनको नहलाया नहीं। तो अब ईद करीब आ रही है ना, तो अब इनको नहलाने की बारी आई है। जहन में आया कि इनको नहला देते हैं यार। यहाँ पे फार्म हाउस पे नहीं नहला सकते हम इनको, क्योंकि नीचे जगह सारी कच्ची है, तो पानी के साथ कीचड़ वगैरह हो जाएगा, तो फिर ये नहलाने का फ़ायदा, ये दोबारा गंदे हो जाएंगे। अब हम इनको लेके जा रहे हैं घर, घर जाके इनको अच्छी तरह से नहलाएंगे। तो कासिम चले, ठीक है, पकड़ ली, पकड़ लोगे ना, आपको खींचना ले ये दोनों। चलो फिर चलते हैं, एक मुझे पकड़ा दो, एक मुझे पकड़ा दो, ये ब्लैक वाला पकड़ा हुआ है। हाँ जी, नहीं लेके जा रहे यार कहीं भी, आपको भी नहलाएंगे यहीं पे, वापस आएंगे, टेंशन ना लो। कासिम ये पकड़ो और ताला मुझे दो। चलो चलो आप पीछे चलो, शाबाश, चलो आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कासिम आप इसे आगे आगे लेके चलो ना, फिर ये पीछे पीछे आएगा। चलो चलो यार, ये चल ही नहीं रहे, कासिम को थका दिया बेचारे को। चलो यार कासिम, बस बकरे नहीं यार आपसे संभाले जा रहे दो। चलो चलो, तो यार घर पहुंच चुके हैं हम, तो अभी इनको लेके चलते हैं अंदर, तो फिर इनको नहलाते हैं। तो यार हमने अपने एक बकरे को अंदर बांध दिया नहलाने के लिए, जो दूसरा है उसको बाहर बांधा हुआ है। अभी एक और पहले नहलाते हैं, बाद में दूसरे को। अब शोर कर रहे हैं दोनों, लेग अलग अलग हो गए हैं। तो यार फाइनली हमने एक बकरे को अपने को नहला दिया है अच्छी तरह, अब काफ़ी बेहतर हो गया, अब बिल्कुल फ्रेश हो गया ये। अब इसको बाहर बांधते हैं और दूसरे वाले को लेके आते हैं। चलो भैया आप बाहर चलो। तो यार अब आ गई भैया बारी हमारे इस रू बकरे की। ये माशाल्लाह, एक पहले देखें कि आप कितनी ज़्यादा मट्टी है इनके अंदर, तो अब इनको नहलाएँगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। फाइनली फाइनली हमने अपने दोनों बकरों को नहला दिया है, तो माशाल्लाह काफ़ी फ्रेश हो गए हैं, साफ़ सुथरे लग रहे हैं। अब इनको थोड़ी देर बाहर बांधेंगे सूखने के लिए, तो फिर इनको अपने फार्म हाउस पे छोड़ के आएंगे। तो यार अभी इनको घुमा फिरा के नहला के हम फार्म हाउस पे आ चुके हैं, तो अब इनको यहाँ पर खुला छोड़ देंगे, इनके गले में रस्सी डाल के, तो यहाँ पर घूमें फिरें, इंजॉय करें। गर्मी अभी भी काफ़ी है यार, अभी नहला के आए तो फ़ौरन इनके बाल वगैरह खुश्क हो गए, उनका जिस्म खुश्क हो गया। तो अभी इनको तो घर नहला के लाए हैं ना, तो हमारे जो 3 इडियट्स हैं छोटे, उनको यहाँ फार्म हाउस पे ही नहलाएंगे। थोड़ा थोड़ा नहला देते हैं बगैर सर्फ के, शैम्पू के, इनको अंदर बांधते हैं और उनको बाहर निकालते हैं, फिर उनको नहला देते हैं। तो यार काफ़ी खपत के बाद हमारे कुर्बानी वाले जो जानवर थे उनको भी नहला दिया,
और हमारे जो थ्री इडियट्स हैं उनको भी नहला दिया, इनको नहला के यहाँ पे खड़ा कर दिया है। तो अब यहाँ छाँव में आराम करेंगे ठंडे होके, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो नहलाते नहलाते यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हो चुका है। तो हमारे जो बचीज और लव बर्ड्स हैं ना, इनको मैं घर ले आया था, क्योंकि वहाँ फार्म हाउस से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी, जिसकी वजह से ना ये हाँपना शुरू कर देते थे। तो अब इनको मैं यहाँ पे घर ले आऊँ, यहाँ पे काफ़ी माहौल बेहतर है, तो जब यहाँ पे धूप आ जाती है तो फिर मैं इनको कमरे में रख देता हूँ पंखा चला के। तो ये जो हमारे लोटिनो के लव बर्ड्स हैं, ये न्यू आए थे हमारे सेटअप पे, तो ये भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इन सबको मैंने। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। तो यार आज हमने अपने कुर्बानी के बकरों को भी नहला दिया, और हमारी जो एक कबूतरी थी यार उसे बिल्ली ले गई थी कल, तो ये काफ़ी दुख वाली बात है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।